हेलो व्यूअर्स, आज हम पोटेशियम परमैंगनेट पर दो प्रयोग करेंगे, जिसमें पहला प्रयोग है नींबू के रस का प्रयोग कि नींबू का रस का प्रभाव क्या पड़ता है, और दूसरा मिल्क पर पोटेशियम परमैंगनेट का क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसके लिए आवश्यक सामग्री है पोटेशियम परमैंगनेट, और जिस पात्र में करना है वो पात्र आपका पानी या सामान्य जल। इस तरह से हमने दो अलग अलग और एपरेटस में करेंगे। इसमें हमें कुछ मात्रा में पहले इसमें पानी ले लिया है, अब इसमें थोड़ा सा पोटेशियम परमैंगनेट डालते हैं। तो ये आपको कलर चेंज होता हुआ दिखाई देगा। यही चीज़ हमने इसमें भी ये घोल के रखा है, ये दोनों एक ही चीज़ हैं, कलर चेंज हो गया है। अब हमने नींबू लिया है और नींबू को काट लेते हैं। उसके बाद हमने इस टब में नींबू के रस को निचोड़ दिया है। जब हम इस पर डालेंगे तो पोटेशियम परमैंगनेट का जो कलर है, बैंगनी कलर जो है इस समय, वो धीरे धीरे आपका इनविजिबल होते हुए दिखाई देगा। अब हम इस प्रयोग को अलग अलग एपरेटस में करेंगे। जैसे हमने मान लिया कि ये परख नली में डाल रहे हैं, इसमें से भी परख नली में ही ले लेंगे। बस ये है, ये थोड़ा डार्क है और ये लाइट है, इसका मतलब ये है कि पोटेशियम परमैंगनेट हमने इसमें कम डाला है और इसमें थोड़ा सा ज़्यादा डाल रखा है। अब हम इस पर नींबू का रस डालेंगे। इसमें भी ये देखिए, इसका कलर चेंज हो गया है तुरंत के तुरंत। उसका कारण बस ये है कि इसमें हमने पोटेशियम परमैंगनेट की मात्रा थोड़ी कम दी थी, इसलिए इसमें रिएक्शन तेजी से हुई है। इसमें अभी रिएक्शन स्टार्ट हुई है और कुछ समय लगेगा, लगभग 5 मिनट तक का, और 5 मिनट में ये पूरी तरह से इनविजिबल हो जाएगा। जैसे अभी आपको देखती है, थोड़ा सा और हम इसमें डाल दें। डालने के बाद ये देखिए, इसका फिर से कलर आपका नहीं चेंज हो गया है और इसमें रिएक्शन सभी हो रही है, और समथिंग 5 मिनट का टाइम लगेगा, और 5 मिनट के बाद आप चाहें तो इसको नहीं वेट कर सकते हैं। और इसको फास्ट करने के लिए उसमें और मात्रा में नींबू का रस को मिलाया जा सकता है। ये देखिए, ऊपर का आपको चेंज कर होता हुआ ऊपर आप कलर चेंज होते हुए दिखाई दे रहा है। तो ये पोटेशियम परमैंगनेट पर अम्ल का प्रभाव है। नींबू के रस के स्थान पर अगर हम कोई और अम्ल यूज करते हैं तो वो भी यही करेगा कि पोटेशियम परमैंगनेट का जो बैंगनी कलर है उसको नहीं चेंज कर देगा, और वो आपका डिजॉल्व होकर इनविजिबल हो जाएगा, या फिर थोड़ा सा नहीं आपका येलो कलर में चेंज हो जाएगा। अगर हम इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 डालते हैं, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नींबू के रस का जो कलर है थोड़ा सा लाइट येलो कलर्स होता है, इस कारण उसका नहीं ये येलो कलर्स में चेंज हुआ है। ये देखिए, इसका कलर धीरे धीरे करके आपका चेंज हो रहा है। इसमें आप इसमें दोनों में अंतर देख सकते हैं कि
कितना चेंज हो गया है, अगर थोड़ा और टाइम देंगे तो और भी चेंज हो जाएगा। देखिए दोनों का कलर चेंज हो गया है। अब हम दूसरा एक्सपेरिमेंट करते हैं। दूसरे एक्सपेरिमेंट के लिए हमें मिल्क यानी दूध की ज़रूरत होगी। ये हमारा दूध है, आप इसे चाहे आप पर्सनली कीजिए, चाहे बीकर में कीजिए, या आप पुनः वही हमारे पास ये है, इसमें थोड़ा सा पानी डाल लेते हैं। पानी नहीं डालेंगे बल्कि सीधे दूध ही डाल लेते हैं। ये हमने हल्का सा गुनगुना दूध डाल लिया है। ये एक्सपेरिमेंट थोड़ा सा अमेजिंग होने वाला है, तो इसके लिए हम नीचे इसके नीचे प्लेट रख लेते हैं। अब इसमें हमें कुछ मात्रा में पोटेशियम परमैंगनेट डालना है। ये हमने पोटेशियम परमैंगनेट डाला है। उसके बाद हमें इसको थोड़ा सा सेक करना है। ये उष्माक्षेपी अभिक्रिया होगी, इसमें थोड़ा सा फास्ट होती है। जैसे ही इसमें रिएक्शन शुरू होगी वैसे ही इसमें ये देखिए इसमें ऊपर झाग की तरह से आ रहा है। जिस तरह से आप लोग चॉकलेट बिस्कुट देखते हैं उसी तरह से ये शेक बन रहा है, और ये भी बाहर की ओर निकलेगा भी इसी ग्लास से बाहर। ये देखिए बाहर आ गया। तो ये पोटेशियम परमैंगनेट और मिल्क की रिएक्शंस है, जिस कारण ये एक वोल्केनो को फॉर्म ले रहा है। बस ये है कि इसका जो लावा टाइप जो निकल रहा है वो ब्लैक कलर्स का निकल रहा है। अगर आप इन दोनों ही एक्सपेरिमेंट को घर में करना चाहें तो आप आसानी से कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये ऊष्मा छेपी अभिक्रिया होने के कारण ये ग्लास काफ़ी हद तक गर्म हो गया है, इसे टच ना करें। और जब पोटेशियम परमैंगनेट डाल के इसे सेक करें तो उसे भी थोड़ा सेव करें। यदि वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।